वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। दोस्तों, Redmi ने अपने Redmi Note 12 Pro जो स्मार्टफोन है इसको 3 जनवरी 2023 को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च किया था और यह स्मार्टफोन अभी फिलहाल में हमें Amazon पर 22,900 और 26,700 रुपए के अराउंड हमें देखने को मिलता है। और अब इसका बड़ा भाई Redmi Note 13 Pro जो स्मार्टफोन है ये काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है और इस स्मार्टफोन के कुछ फर्स्ट लुक रेंडर्स और सारे स्पेक्स लगभग सारे लीक सामने आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करेंगे कि Redmi Note 13 Pro स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ और कब तक देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के लुक एंड डिजाइन में। तो इस स्मार्टफोन के बैक साइड में टॉप लेफ्ट में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप की हाउसिंग देखने को मिलेगी और साथ ही एलईडी फ्लैश देखने को मिलने वाला है और इसके नीचे की साइड में आपको Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और आगे की साइड में आपको मिडल पंच होल के साथ फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल लुक एंड डिजाइन आपको ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको सेम ही Redmi Note 12 Pro के जैसा ही आपको डिजाइन देखने को मिलने वाला है। और नेक्स्ट हम स्मार्टफोन के डिस्प्ले पार्ट की बात करें तो आपको इसमें 6.73 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलेगी, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने मिलेगा, 240 हर्ट्ज का आपको इसमें टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलने वाला है और इस बार शायद आपको इसमें इन फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल सकता है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने मिलेगा, HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने मिलेगा और साथ ही 1000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले स्पेक्स काफी अच्छे हैं, इसमें आपको कंटेंट वॉचिंग में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और साथ ही ब्राइटनेस भी काफी अच्छे है, तो ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपका काफी ज्यादा मस्त रहेगा, आपको डिस्प्ले में कोई भी शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट हम स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस पार्ट की बात करें तो आपको इसमें MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट देखने मिलेगा जो कि 5G बेस्ड फ्लैगशिप चिपसेट रहने वाला है और स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज देन 12GB रैम 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट भी देखने मिलेंगे और साथ ही LPDDR4X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको डिसेंट देखने मिलेगी, आप नॉर्मली से हैवी गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं, हाई लेवल गेमिंग तो शायद आप इसमें नहीं कर पाएंगे लेकिन नॉर्मल से हाई लेवल तक आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस पार्ट में भी आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली है। और नेक्स्ट हम स्मार्टफोन के कैमरा पार्ट की बात करें तो आपको इसमें 200+50+50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने मिलेगा और साथ ही 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो अभी इसमें कौन सा सेंसर देखने मिलेगा ये तो अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन आपको इसमें कैमरा स्पेक्स काफी अच्छे देखने मिलते हैं, 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने मिलेगा तो ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस भी आपका काफी ज्यादा मस्त रहने वाला है। और नेक्स्ट हम स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको इसमें 5000mAh की पावरफुल बैटरी देखने मिलेगी और साथ ही 120W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है। तो एक बड़ी बैटरी और साथ में फास्ट चार्जर तो बैटरी बैकअप एक थम्स अप तो रहने वाला है और 5000mAh की एक बड़ी बैटरी है तो ये आराम से आपको एक दिन का बैकअप आराम से दे देगा, मुझे 100% श्योरिटी है। और साथ ही 120W का फास्ट चार्जर है तो आप तुरंत ही चार्ज कर ही सकते हैं, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। तो ऑल ओवरऑल बैटरी बैकअप की में भी आपको कोई भी कमी रहने वाली नहीं है। और नेक्स्ट हम स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा स्पेक्स की बात करें तो आपको इसमें 3.5mm ऑडियो जैक देखने मिलेगा, साथ ही डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलेंगे, इन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है और फेस अनलॉक फीचर देखने मिलेगा और छोटे मोटे आपको सारे सेंसर देखने को मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट हम स्मार्टफोन के प्राइसिंग की बात करें तो जैसे कि लीक सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस आपको 21,999 रुपीज के अराउंड हमें देखने मिलेगी। तो भाई साहब अगर ये स्मार्टफोन 21,999 रुपीज के अराउंड लॉन्च हो जाता है तो मैं कह रहा हूं मजा ही आ जाएगा, ये किलर स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा अगर ये इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है। वैसे रेडमी है, कुछ भी हो सकता है। और लास्ट में हम स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन अराउंड हमें अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर के स्टार्टिंग वीक तक हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन हमें काफी जल्दी देखने मिलेगा और इसमें स्पेक्स भी काफी अच्छे देखने मिले हैं और प्राइसिंग भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। और आपका इस स्मार्टफोन के बारे में कोई ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।